सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है ताकि गरीब परिवारों का भी पक्का आवास बन सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के दादूपुर गांव में आज तक प्रधानमंत्री आवास न मिलने से ब्रजरानी सहित कुल 20 परिवारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नहीं, हमारे न घर द्वार रहने कुछ नहीं, हम झोपड़ी मड़ाइया डाय पड़े हैं। हमारे रहने के कोई नहीं, न ठिकाना और कोई खाने की ठिकाना नहीं ना, और चाहे कि उसी में दरवाजा नहीं झोपड़ी में, और कुछ भी आता है कुत्ता भी खा जाता है, कोई चीज़ है कोई उठा ले जाता है, तो ये बताओ हमको बहुत परेशानी है। जब हमारे जब भर तो पौरुख है, जब भर तो कमाए के थोड़ा बहुत नहीं ना, तो ये पाल कृपाल डाल के झोपड़ी में बसर करती। अगर जब ये ना हमारे पौरुख ना रह जाई तो जो हमारे घर द्वार नहीं, तो हम किसमें घुस के बसर करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ का करेंगे। वो जात प्रधानों के लगे जाए थी, प्रधानों का हमका नहीं सुनवाई, मतलब हमका राशन मिले ना, हमका तेल का है ना, हमका कोई चीज़ के नहीं ना, ऐसे बसर कर रहे हैं। हमका तो यह समस्या लगता है कि हमारे घर न घर न द्वार है, हमका वो चाहिए। हमारी विकलांग हो गए हैं। कौन विकलांग हो गया है? आदमी हमार जिनके जिनके घर है दरवाजा है, वो अपन फटाफट कर दें, चाहे जितना आंधी पानी आम चाहे जितना पत्थरा गिरे। अब हम हन तो लड़कन का समारी अथरा पत्थरा गिरे कर आंधी बौख में सब उड़त रह भिजत रह लड़का का दिल चार चार थी पाँच पाँच थी कहका समारी सब लड़कन का। अब लकड़ी भीज जा थी वो का लड़का रो रहे भूखन मर रहे हैं, अब लकड़ी भीज के कहा जलाए। प्रधान क्लब कहा कि हमका कलोनी दवा दे, वो हम नहीं सुनते, कौन चीज नहीं मिलता तो क्या बताए। पर साल दिया इनका कहा तो कहा कि अब आ रही कलोनी घबराओ ना, महीना बाद आवा थी फिर सारो सामान गवा। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-46-45-75 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इनकी समस्या हल कराई जा सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।